स स्टूडेंट असलकम मैं आपकी मैथ टीचर आज हम चैप्टर नंबर सेवन में करेंगे लास्ट एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज सॉल्व हम इसको आप, इसमें आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ तरीकों से डिफरेंट मैथर्ड से हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे प्लस में हो चाहे माइनस में हो पहला पार ए टू बाई थ्री प्लस वन बाय सेवन आप यहां देख रहे हो कि डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के टेबल में भी नहीं है देखिए ये थ्री थ्री के टेबल में सेवन नहीं है और सेवन के टेबल में थ्री तो इंपॉसिबल है इसलिए जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं और एक दूसरे के टेबल में आते भी नहीं है तो ऐसे डिनोमिनेटर को सीधे मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए वही बनता है उसका एलसीएम थ्री सेवन और ट्वेंटी वन ये निकला इन दोनों का सेम डिनोमिनेटर ट्वेंटी वन इसके बाद प्लस में या माइनस में कैंसिलेशन पहले नहीं हो जाती है हां बाद में हम कर सकते हैं लेकिन पहले जब हम आपने इन, इनका मल्टीपल किया इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीनस न्यूमरेटर इंटू डिनो अपोजिट डिनोमिनेटर टू इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू वन इस टू का मल्टीपल करना है थ्री के सेवन के साथ उसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और थ्री इंटू वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू सेवन प्लस थ्री वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन इज इक्वल टू आप दोनों को मल्टीपल करेंगे वो निकला सेवनटीन बाई ट्वेंटी वन आप यहां पर देख रहे हो यहां पर आप कैंसिलेशन कर सकते हो लेकिन यहां पर आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं तो यहां पर कैंसिलेशन अगर हो जाएगी तो करना नहीं हो जाएगी तो यही निकला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन इसी तरह दूसरा पार्ट दिखाते हैं आपको बी बी है थ्री बाय टेन प्लस सेवन बाय फिफ्टीन आप देख रहे हो दे आर नॉट सेम डिनोमिनेटर आर सेम नहीं है मगर डिनोमिनेटर्स किसी और टेबल में दोनों आते हैं देखिए फाइव के टेबल में टेन भी आता है फाइव के टेबल में फिफ्टीन भी आता है इसका मतलब ये दोनों एलसी इन दोनों का हम एलसीय कर सकते हैं सबसे पहले रफ में आपको यहां से एलसीयम दिखाना है टेन और फिफ्टीन फाइव से करेंगे फाइव टू और टेन फाइव थ्री आर फिफ्टीन बस अब एल्सीयम नहीं हो जाएगा तो ऐसे हमारा सेम डिनोमिनेटर क्या निकलेगा फाइव इंटू टू इंटू थ्री फाइव टू और टेन टेन इंटू थ्री थर्टी तो इनका सेम डिनोमिनेटर निकला थर्टी अब आप बोलोगे कि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनकी की जाती है जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं या एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है आप यहां देखिए क्या करेंगे सबसे पहले उठाएंगे ये वाला फ्रैक्शन थ्री बाय टेन थ्री बाय टेन इंटू करेंगे थर्टी थ्री बाय टेन पहला फ्रैक्शन मैंने उठाया इंटू करेंगे थर्टी टेन वन आर टेन टेन थ्री आ थर्टी थ्री थ्री आर नाइन ये निकला इसका वैल्यू नाइन बाय थर्टी इस वाले फ्रैक्शन का प्लस यहां पर आप साइन चेंज नहीं कर सकते हैं जो है साइन वही रखनी है सेवन बाई फिफ्टीन अब हमने दूसरा फ्रैक्शन उठाया उसको इंटू करेंगे थर्टी के साथ फिफ्टीन वन आ फिफ्टीन फिफ्टीन टू आ थर्टी आप इसको छोटे छोटे नंबरों से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं टू सेवन आ फोर्टीन ये निकला दूसरे का वैल्यू अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री बाय थर्टी यहां अगर आप कैंसिलेशन करना चाहोगे तो कर सकते हो लेकिन यहां पर यहां पर हम कैंसिलेशन प्लस में या माइनस में नहीं कर सकते हां इंटू में हम कर सकते हैं यहां पर भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं जब हो जाएगी अगर नहीं होगी तो यही निकला हमारा आंसर अब हम इसी तरह सी पार्ट और डी पार्ट इसी तरह से करने हैं अब हम माइनस वाले पार्ट्स करेंगे माइनस में है जी पार्ट बाकी जो इसमें सी डी ई एफ है वो आप इसी तरह से करेंगे जी वाला देखें जी वाला पार्ट थ्री बाई फोर माइनस वन बाई थ्री थ्री बाई फोर माइनस वन बाई थ्री देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सीधे करेंगे इनको मल्टीप्लिकेशन थ्री फोर और ट्वेल्व इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्योंकि जब इनकी जब इनका एलसीएम नहीं हुआ तो हमें उसको कैंसिलेशन वहां उस तरह से एलसीएम दिखाने की जरूरत नहीं है सीधे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस फोर वन और फोर नाइन में से फोर निकालेंगे फाइव बाय ट्वेल्व यहां पर अगर कैंसलेशन हो जाएगी तो करेंगे लेकिन इसमें नहीं हो रही है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ एच और जी बी एच एच बी बिल्कुल ऐसे ही है एच में कैन आप एलसीएम कर सकते हैं वो हम दिखाएंगे आपको एच वाला पार्ट देखिए फाइव बाई सिक्स माइनस वन बाय थ्री देखिए ये दोनों थ्री के टेबल में सिक्स आता है इसका मतलब हम इनको मल्टीपल सीधे नहीं करेंगे हम इनकी का एलसीएम करेंगे सेम डिनोमिनेटर निकालेंगे Six और three, three two आ six, three वन आ थ्री टू वन आ two, इसका LCM निकला six, तो लिखा हमने अब हम लेंगे पहला वाला फ्रैक्शन पहला वाला फ्रैक्शन है फाइव बाई सिक्स इंटू करेंगे ये वाला सिक्स सिक्स वन आ सिक्स फाइव वन आ फाइव ये रहा फाइव यहां पर इसका वैल्यू फाइव बाई सिक्स का वैल्यू सेम है फाइव बाई सिक्स माइनस वन बाय थ्री इंटू करेंगे एल्सियम सिक्स थ्री वन आ थ्री थ्री तो टू आ सिक्स टू वन आ टू ये टू तो। फाइव में से थ्री फाइव में से टू तो निकालेंगे थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स यहां देखिए यहां पर कैंसिलेशन हो जाती है थ्री वन आ सिक्स वन बाई टू निकला आंसर लेकिन ये रफ वर्क दिखाना इंपॉर्टेंट है ये बहुत जरूरी है इसी तरह आई पार्ट भी ऐसे ही है जे के भी ऐसे ही है एल भी ऐसे ही है अब हम आपको दिखाएंगे एम वाला पार्ट बाकी कोई भी पार्ट आप नहीं छोड़ेंगे सारे पार्ट्स आप करेंगे और जो नहीं आएगा वो आप हमें मैसेज करेंगे कि वो पार्ट दिखाए हम हाँ, वो आपको दिखाएंगे एम में है टू बाय थ्री प्लस थ्री बाय फोर प्लस वन बाय टू सबसे पहले ये इसमें तीन फ्रैक्शंस है इन तीनों फ्रैक्शंस का हम एलसीएम करेंगे देखेंगे एलसीएम में क्या निकलेगा थ्री फोर टू पहले टू से करेंगे थ्री आ रखेंगे ऐसे ही टू टू आ फोर टू वन आ टू फिर करेंगे और टू से थ्री रखेंगे ऐसे टू वन आ टू वन अब करेंगे थ्री से थ्री वन आ थ्री वन वन टू टू आर फोर फोर थ्री आर ट्वेल्व एलसीएम सेम डिनोमिनेटर एलसीएम निकला ट्वेल्व इसके बाद पहला फ्रैक्शन उठाएंगे जैसे हमने इससे पहले पार्ट्स में आपको दिखाया पहला फ्रैक्शन उठाएंगे इंटू करेंगे ट्वेल्व थ्री वन आर थ्री थ्री फोर आर ट्वेल्व फोर टू आर एट यहां पर रखेंगे एट अब नया न्यूमरेटर मिल गया हमें एट अब लाएंगे थ्री बाई फोर इंटू करेंगे ट्वेल्व फोर वन आर फोर थ्री आर ट्वेल्व थ्री थ्री आर नाइन ये लिखेंगे यहां पर नाइन प्लस अब लाएंगे वन बाई टू वन बाई टू इन टू ट्वेल्व टू वन आ टू सिक्स वन आ सिक्स इजिकॉल्ट अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे ये हो गए सेवनटीन सेवनटीन और थ्री सिक्सटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेल्व अगर यहां पर कैंसिलेशन हो जाएगी तो करनी है नहीं हो गई ना तो ये इसको ऐसे ही रखना है इसी तरह एन भी ऐसे ही है अब हम दिखाएंगे आपको ओ वाला पार्ट क्योंकि वो मिक्सर फ्रैक्शन है ओ पार्ट देखिए, वन वन बाय थ्री प्लस थ्री टू बाई थ्री आप देख रहे हो ये मिक्सड फ्रैक्शन है मिक्सड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में देखा है कि मिक्सड कैसे इम्प्रॉपर बनता है थ्री इंटू वन थ्री इंटू वन प्लस रिमाइंडर वाला वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस टू थ्री इंटू थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री थ्री वन आर थ्री प्लस करेंगे वन बन गया फोर बाई थ्री 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 आर नाइन नाइन प्लस टू हो गए अलेवन इलेवन बाई थ्री आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है जब डिनोमिनेटर सेम है तो वही बनते हैं एलसीएम तो थ्री यहां पर फोर प्लस इलेवन ये वापस से आएंगे क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर वापस से आ जाते हैं ये दोनों ऐड करेंगे ये निकला फिफ्टीन फिफ्टीन बाई थ्री थ्री वन आ थ्री थ्री फाइव आ फिफ्टीन आंसर निकला फाइव इसके बाद अब हम चलते हैं इसमें पी पार्ट भी ऐसे ही है क्यू भी ऐसे ही है आर भी ऐसे ही है एस भी बिल्कुल ऐसे है और अब हम इसमें दिखाएंगे आपको हैं। अब हम आपको इसमें दिखाएंगे आर वाला पार्ट जो कि थोड़ा अलग है फोर बाई थ्री माइनस वन बाई टू देखिए, ये दोनों प्राइम नंबर है किसी भी टेबल में एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो सीधे आप इनको मल्टीपल करेंगे थ्री टू आ सिक्स इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से फो इन टू फोर टू आर एट माइनस थ्री वन थ्री दोनों को लेस करेंगे वो निकलेगा एट में से थ्री निकालेंगे फाइव फाइव बाई सिक्स ये निकला हमारा आंसर आप ये पार्ट्स बाकी पार्ट्स इसके अच्छी तरह से कीजिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज